alaikum. I am Maryam Munir from Morning Dew Grammar High School. Welcome to KG class. Students, today we will learn Urdu. Let's start. तो बच्चों आज हमारी कॉपी के काम में हैं हरूफ़ तहजी के शोशे आयन गायन फे काफ और काफ। चले लिखना शुरू करते हैं। आयन से शुरू करते हैं। अपनी पेंसिल पकड़ लें और लिखें मेरे साथ आयन आयन आयन। अगला लफ्ज़ है गायन। गायन भी बेटा ऐसे ही शोशा बनाना है, बस उसके ऊपर एक नुक्ता होगा। गायन गायन, ये गायन के शोशे हो गए। अगला हर्फ है फे, तो फे फे फे, ये फे के शोशे हो गए। अगला हर्फ है काफ, बिल्कुल इसी तरह से लेकिन ऊपर दो नुक्ते। काफ काफ। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है? आगे डंडे वाला काफ आ जाता है, तो वो आपने कैसे लिखना है? यूं, ये है डंडे वाला काफ, डंडे वाला काफ, और ये हो गया। तो बेटा आगे हमने लिखनी है लफ्जी गिनती। अब हमने लफ्जी गिनती लिखनी है पाँच छः। चले लिखे मेरे साथ। आपने पेंसिल पकड़नी है, ये लाइन पे रखनी है और यूं पे अलिफ पा नून छे पाँच, ठीक है। और अगला हर लफ्ज़ है छः, तो छः आपने कैसे लिखना है बेटा? छः आपने यूं लिखना है, ये छः, दो चश्मे हैं छः। आगे लिखिए दोबारा मेरे साथ, पे अलिफ पा नून छे पाँच और छे, दो चश्मे हैं छः, ठीक है। इस तरह से आपने ये पूरा पेज पे लिखना है पाँच छः, और ये हमारा जमात का काम ख़त्म हो गया। इसी तरह से बेटा यही आप लोगों का होमवर्क भी है, और इसी तरह से आपने अपना होमवर्क भी करना है। बच्चों अपनी वर्कबुक खोलें, सफ़ा नंबर 8। तो आज का हमारा सबक है शरारती नो। शरारती नो अब क्या होती है, ये देखिए नीचे लिखा है। ऐसे हरूफ जो अपने से आप पहले आने वाले हरूफ से मिल जाते हैं मगर अपने बाद आने वाले हरूफ से नहीं मिलते। मसलन बे अलिफ बा अलिफ बे अब। मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे देखें यहाँ पे हरूफ कौन कौन से हैं, दाल डाल जाल। चले इनकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। तो बच्चों ये देखो लफ्ज़ है अहमद, इसमें कौन कौन से हर्फ आते हैं, अलिफ हे मीम दाल। लेकिन देखें ये जो दाल आखिर पे आया है ये मीम से मिल गया है, ठीक है। लेकिन अगर यही दाल किसी लफ्ज़ के शुरू में हो तो, अब देखें लफ्ज़ है दरख्त, दरख्त में कौन कौन से हर्फ आते हैं, दाल रे खे ते। लेकिन देखें ये दाल अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पे आए तो ये उससे मिल जाता है। देखें ये मिल के लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आए तो ये नहीं मिलता, तो ये अलग लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैं आपको कुछ और मिसालें देती हूँ। जैसे ये हर्फ लिखा है रे, तो बच्चों लफ्ज़ है रबड़, ठीक है। तो देखें रबड़ का, रबड़ में जो हर्फ आते हैं वो हैं रे बे अड़े। अब रबड़ का पहला रे जो है ये नहीं मिल रहा किसी लफ्ज़ से, ठीक है। लेकिन ये जो आखिरी अड़े है ये इससे पहले भी एक लफ्ज़ है तो ये मिल गया है उससे। अब देखें ये हर्फ अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पे आता है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर शुरू में है तो नहीं मिलेंगे। अब देखें लफ्ज़ है हमज़ा, हमज़ा में हरूफ आते हैं हे
मीम जे गोल है। तो ये देखें, ये जो लफ्ज़ जे है ये शरारती नो है। क्यों? क्योंकि ये अगर दरमियान में आया है तो ये मिल गया है, लेकिन अगर ये शुरू में आए तो ये नहीं मिलेगा। अब लफ्ज़ है मरियम, इसमें देखें रे जो है, मीम रे ये मीम, शरारती नो इसमें है रे। क्यों? क्योंकि ये जो रे है ये अगर शुरू में आएगा किसी लफ्ज़ के तो इसके साथ तो ये नहीं मिलेगा। जैसे ये देखें, ये शुरू में आया हुआ है, ये नहीं मिल रहा, ये दरमियान में आया है, ये मिल गया है। मीम रे ये मीम मरियम। तो बच्चा अगला हर्फ है वाओ अलिफ। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अलिफ की एग्जांपल में आ जाता है सा। देखो ये लफ्ज़ है सीन और अलिफ से मिलके बना है। अलिफ अब अगर लास्ट पे आया है किसी लफ्ज़ के तो ये उससे मिल जाएगा सा, लेकिन अगर ये पहले आ जाए मतलब अलिफ जमा सीन तो बनेगा उस। क्या बनेगा? उस। तो बेटा अब देखो, अब ये नहीं मिला, यही लफ्ज़ जो हैं ये शरारती नो होते हैं। अब वाओ है, वाओ से हम बना लेते हैं वाओ रे काफ। ये लफ्ज़ क्या बना? वर्क। ठीक है, वर्क में अब देखें वाओ शुरू में आया है तो ये नहीं मिल रहा किसी लफ्ज़ से, लेकिन अगर ये दरमियान में आए तो ये मिल जाएगा। जैसे लफ्ज़ है सोफ़ा, इसके वाओ दरमियान में आया है तो ये पहले हर्फ से मिल गया है, लेकिन अगर ये शुरू में आता है तो ये नहीं मिलता। ऐसे हरूफ को शरारती नो बोलते हैं। आ रही है समझ? तो बच्चा हमने आज सिर्फ शरारती नो को जो है उसी का तारुफ ही हमने पढ़ना था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे देखें, ये है सफ़ा नंबर 9। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने होमवर्क में क्या करना है, खाली हरूफ में आपने हरूफ तहजी लिख के शरारती नो पर दायरा बनाना है। तो आप लोगों ने ये काम अच्छे से करना है। वालदैन से मेरी गुजारिश है कि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है तो प्लीज़ अपने बच्चों की हेल्प करें, इसमें अपने कायदे पे आ जाएं। आज का हमारा सबक है सफ़ा नंबर 3 पे ते ते ता ते त तख्ती ते त ताला ते त तराजू ते त तितली। बेटा ते की आवाज़ है त। अब आप बताएं कि ऐसे कौन से लफ्ज़ हैं जिनकी शुरू की आवाज़ त होती है? ते त। ते से तरबूज भी बनता है, ठीक है। अब ये देखें, आपकी बुक में लिखा है ते, फिर ये उन्होंने ते को मुख्तसर शक्ल बताई है ते की, कि ते छोटी होती है तो ते कैसी बन जाती है, ते ऐसी बन जाती है छोटी सी ते। ये ते की मुख्तसर शक्ल है ते अलिफ ता ते ते तत ते अलिफ ता ते अलिफ ता पे अलिफ पा ते अलिफ ता पाता अलिफ मद आ ते अलिफ ता आता पाता बे अलिफ बा बे अलिफ बा बाबा अलिफ मद आ ते अलिफ ता आता बाबा आता बे अलिफ बा ते बात बे अलिफ बा पे बाप पे पे प की आवाज़ पे रोकते हैं ते पे त की आवाज़ पे लिखें ते। तो यहाँ आपने क्या करना है बच्चा, आपने यहाँ यूं दो नुक्ते ऊपर ते लिखना है और इसमें आपने रंग भरने हैं। ये हमने तख्ती में रंग भरने हैं, ठीक है। आपने ये एक ही तरह से रंग पकड़ के फेरना शुरू कर देना है ताकि रंग प्यारा आए। चलें शाबाश, कलर करें मेरे साथ। तो बच्चों हमारी तख्ती में ब्राउन कलर हो चुका है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अगला हर्फ है टे। टे ट टेलीफोन। टे की आवाज़ क्या है? ट। टे ट टेलीफोन टे ट ठेला टे ट टायर टे ट टमाटर, ठीक है। तो
तो टे की आवाज़ क्या है? ट। ये देखें आपकी किताब पे ये लिखा है टे, फिर ये है टे की छोटी शक्ल, ऐसे छोटी शक्ल इतनी सी काट के कितनी रह गई, इतनी रह गई ट, और टे अलिफ टा, टे ट, टे टे टट, टे 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 अलिफ टा, टे अलिफ टा टाटा। बोलते हैं ना हम किसी को बाय बाय कहने की जगह टाटा, वो है अलिफ मद्दा टे अलिफ टा, आटा अलिफ मद्दा पे अलिफ पा, आपा टे अलिफ टा, टे अलिफ टा टाटा, पे अलिफ पा ते अलिफ ता पाता, टे अलिफ टा टे टाट, बे अलिफ बा टे बाट, टे 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 अलिफ मद्दा पे आप। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, टमाटर में रंग भरना है और इस टे में आप ब्लैक कलर करें, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ये देखें हमने हरूफ में काला रंग कर लिया है, अब ये टमाटर है, टमाटर में हम लाल रंग करेंगे। तो बच्चों लाल रंग करें मेरे साथ, ये लाल रंग है टमाटर से आपका रंग बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों ये टमाटर में लाल रंग हमारा हो चुका है, अब हम हरा रंग लेंगे और इस एरिया में कलर करेंगे। ये देखें ये हरा रंग है, कलर करें मेरे साथ, और ये टमाटर में रंग हो चुका है। तो बच्चों ये पेज नंबर नोट कर लो, ये पेज नंबर 3 है और इसको आपने रीड करना है बार बार, इसकी रीडिंग ही आपका होमवर्क है। और ये जिस तरह से अल्फाज यहाँ पे बने हुए हैं, आता पाता बाबा, आटा आपा टाटा, पाता टाट बाट आप, आपने बच्चा इस तरह से मज़ीद लफ्ज बना के लाने हैं, मैं देखूँ आपको ये लफ्ज बनाने आते हैं, ठीक है? आपसे मैं ये नहीं कह रही कि लाजमी लफ्ज ठीक ही होना चाहिए, आप गलत लफ्ज बना लाओ इट्स ओके, लेकिन आपने ट्राई करना है, ठीक है? कोशिश करनी है और लफ्ज बना के लाने हैं आपने। चलिए अब हम आगे करते हैं काम, ये नज़मों की किताब खोल लें। तो आज हमने पोइम रिवाइज करनी है, अच्छे बच्चे पढ़े मेरे साथ। रोज सुबह जो जल्दी उठकर सबको सलाम करते हैं, रोज सुबह जो जल्दी उठकर सबको सलाम करते हैं, बस इतना, ठीक है? बस इतना करना है आपने। रोज सुबह जो जल्दी उठकर सबको सलाम करते हैं, रोज सुबह जो जल्दी उठकर सबको सलाम करते हैं, रोज सुबह जो जल्दी उठकर सबको सलाम करते हैं। आपने ये 2 लाइंस अच्छे से याद करनी है। अब चलें आपकी डायरी की तरफ देखते हैं। तो आज की डायरी में बचा क्या है, आपने कॉपी पे होमवर्क करना है, वर्कबुक पेज नंबर 9, बुक रीडिंग पेज नंबर 3 एंड पोएम अच्छे बच्चे फर्स्ट 2 लाइंस, आपने ये 2 लाइंस याद करके आनी है, ओके? इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।